उमन भेजले उमन भेजले हरिका प्यारा नाम ले Gobinda, 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 Gobinda,
कन्हैया जी ने पूर्ण रूप से जितने भी कार्य किए जगत कल्याण के लिए किए हैं, और यहाँ पर हमें सीखना है कि हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उन पे तीन ऋण चढ़ जाता है, माता पिता का ऋण, गुरु का ऋण और इस समाज का ऋण। आज कन्हैया के ऊपर जो ऋण था उनके माता पिता का, वासुदेव और देवकी पर जो अत्याचार का ऋण था, आज नंदलाल उससे मुक्त हुए हैं और द्वारिका की तरफ गमन कर गए हैं। द्वारिका नगरी जो अगर आप गए होंगे तो ऐसे मूलतः द्वारिका तीन है, एक मूल द्वारिका है और एक है द्वारिकाधीश और एक है भेंट द्वारिका। द्वारिकाधीश वह है जो गोमती और सागर के तट पर है, जो भगवान ने दबा दिया। भेंट द्वारिका वो है जहाँ दोनों मित्र का मिलाप हुआ, अरब सागर के मध्य में 32 किलोमीटर की टापू के अंदर। द्वारिका से 9 किलोमीटर दूरी पे आता है गोपी तालाब, जहाँ गोपियों ने अपने आप को स्पर्श नहीं कर दिया किसी को और उसमें अपने आप को समाहित कर लिया, तालाब में समाधि ले ली। उसी तालाब की मिट्टी माथे पर लगाते हैं जिसे हम कहते हैं गोपी चंद्र। कन्हैया जी ने द्वारिका में वास करना चालू किया है, रुक्मिणी जी बैठी हैं। आज कन्हैया ने फिर से ब्रज की बालाओं की तारीफ कर दी। अगर एक पत्नी के सामने पति दूसरे किसी की तारीफ कर दे, तो कोठे ऊपर कोठरी में उस पर रेल चला दोगे। अगर दूसरे की तारीफ कर दे तो फिर रब्बा, फिर तो मारवाड़ी गीत है ना कि बेटो बेटो मत कर सासू मारो बालम लागे रे, अब तो बेटा बेटा मत कर, अब तो मेरा सजना लगे। आज वही भाव हो गया। कन्हैया जी से रुक्मिणी जी कहते हैं उनकी तारीफ करते हो वो कैसे लगती है, कहे वो तो मिश्री जैसे लगती है। ब्रज की बालाओं की उपमा कैसे थी, बोले मिश्री जैसी, और बोले मैं कैसी लगती हूँ, बोले नमक जैसी। घर में तो महाभारत होना ही है क्योंकि ये माँ है, आदि शक्ति है। क्षणिक रुष्टा क्षणिक तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणिक क्षणिक। इनके क्रोध का भी पता नहीं चलता, इनके प्यार का भी पता नहीं चलता, और वास्तव में पत्नी ही पति के जीवन में सबसे सफल साथी, बाकी कोई होता नहीं। जब आप भूखे मर रहे हो, खाने के लिए रोटी नहीं है,
तो सिर पे हाथ फिरा के पत्नी कहती, कोई बात नहीं, एक में से आधा खा लेंगे, भाइयों की बात क्या करें, अब तो जमाना बदल गया है, इस जमाने में कलेजा हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। अच्छा, मेरे से फेरे लिए मैं नमक जैसी, और उतनी दूर बैठी मिश्री जैसी। रुक्मणी जी कहते हैं ब्रज की बालाएं मिश्री जैसी और हम नमक जैसे, खुटुर पुटुर हो रहा है घर में। देव ऋषि नारद का आगमन होता है, कहते हैं प्रभु क्या लीला है। रुक्मणी जी कहती हैं, आ गए ना तुम इन्हीं के चमचे हो, तुम तो इन्हीं की बात कहोगे। बोले क्या हुआ मैया, घर में कुछ बवाल हुआ। बोले कुछ ना, इन्होंने हमेशा जब तक गोकुल में रहे, मथुरा में रहे, उनकी तारीफ करी तो ठीक है, अब तो इतनी दूर आ गए फिर भी इन्हें गोपियां ही नजर आती, हम तो कुछ है ही ना। तो क्या हुआ, कहे इन्होंने से पूछा हम कैसे लगते हैं आपको, तो कहने लगे जी ऐसा है, ब्रज की बालाएं मिश्री लगती हैं और आप हमें नमक जैसे लगते हो। बवाल तो होना ही था। देव ऋषि नारद ने कहा तो इसमें तो आपका बड़प्पन है मैया, इसमें तो कन्हैया जी ने, हमारे प्रभु ने आपकी महत्व को बढ़ा दिया है। बोले कैसे, कहने लगे कि मिश्री एक मिष्ठान में प्रयोग होता है, और मेरे ठाकुर को जब 56 भोग लगते हैं तो 18 प्रकार का अन्न नमक के बिना व्यर्थ होता है, इसलिए रुक्मणी सदावास तो तुम्हारा ही। भगवान कृष्ण ने सब जगह प्राप्त किया है, सारी व्यवस्था प्राप्त की है, विजय प्राप्त किया है। बलराम ने एक दिन एक संत से मजाक कर दिया। मैं आपको कहता हूं ना कि दानों को मोती दिया, मानों को मोती दिया, दानों को सुरा दिया, देवताओं को अमृत दिया, इंद्र को ऐरावत दिया, शिव को चंद्र दिया, इतने नहीं भगवान को रहने के लिए क्षीर सागर में जगह दिया सागर में, लेकिन एक संत रूठ गया तो कोई उसका कुछ नहीं कर पाया, 2.5 अंजलि पे पी करके और निकाल दिया। इसलिए अगर एक संत रूठ जाए तो भगवंत भी ना बचे। आज बलराम ने महाराज एक संत से गर्गाचार्य का अपमान, अरे हो गई बड़ी भक्ति अब तो कर लो शादी ब्याह, व्यंग बोल दिया। उन्होंने कहा ठीक करूंगा, लेकिन यदुवंशियों के विनाश के लिए श्रापित। पूर्व समय में संतों की भी ये व्यवस्था होती थी। ओखला मंडल के राजा की 21 कन्याएं थी, जिनमें से एक का उन्होंने विवाह किया है और उससे पैदा हुआ कालियावाद। कालियावान पैदा होता है, गर्गाचार्य साधना में होते हैं, वो जिसको हाथ पकड़ कर गले लगाए उसी की मौत हो जाए। राजा ने कहा तो अपार अभाव हो जाएगा, देश में रहेंगे कैसे लोग, ये जिसकी चीज है उसे ही सौंप। गर्गाचार्य को बुलाया गया। गर्गाचार्य ने कहा ये बता तुझ में कितनी क्षमता है। कहे महाराज मैं सृष्टि को उल्टा कर दूं, इतना मेरे में क्षमता है। कहे तो जा यदुवंशियों का विनाश। कन्हैया जी को भी ललकार रहा है, वो कन्हैया जी वापस आ गए हैं, क्योंकि हाँ महाराज जब बातें धर्म कर्म की हो तो कर्म वीर क्या कर्म करे। एक तो वो गुरुपुत्र है, कुल पुरोहित का पुत्र है, उस पर प्रहार कर नहीं सकते। उस समय देव ऋषि नारद का आगमन होता है, कहते महाराज आज उदास क्यों हो। कहते ये लीला है, बस इसका निदान तो है मेरे पास। बोले कौन। बोले मुचकंद ऋषि। मुचकंद कहाँ है। बोले वैकुंठ में। बोले हमारे लिए आएंगे। बोलो मेरा काम। देव ऋषि नारद वैकुंठ में पहुंचते हैं और द्वार के सामने नारायण नारायण
मुचकंद ऋषि के भैया तुम भगवान के भक्त हो या दुश्मन, अगर सारी रात तुम उन्हें स्मरण ही करते रहोगे स्मरण ही करते रहोगे तो सहन भी करने दोगे क्या? बाल भोग कब लगाओगे, राज भोग कब लगाओगे, शयन आरती कब करोगे? कुछ करोगे ही नहीं, क्योंकि नारद जी तो गए ही थे बवाल करने। बात ये आ गई तुम्हारे अंदर क्या और हमारे अंदर क्या। तो ज्ञान अहंकार का प्रतीक है और समर्पण प्रभु के पाने के लक्षण है। लघुता से ही प्रभुता प्राप्त होती है। देवर्षि नारद ने कहा देखो मुचकंद तुमने जो किया है उसका फल आज वैकुंठ में बैठकर भोग रहे हो, लेकिन मैंने जो किया उसका फल नहीं भोग रहा। एक दिन ये भक्ति का फल खत्म हो जाएगा और फिर तुम एक साधारण मानव जैसे हो जाओगे। बात समझ में आई है। मुचकंद ऋषि को मृत्यु लोक में लाया गया, द्वापर में, पृथ्वी लोक में लाया गया है। कृष्ण के समक्ष जाकर कहा उन्होंने कि ऐसा है महाराज, अभी तक मैंने जितनी साधना करी है, जितना फल किया है, जितना भोग है, उसका फल काट के बाकी अपने पास रखो, मुझे तो भजन कर रहे हो। अग्नि देवता को उनके संरक्षण में लगते हैं, कन्हैया राजनीतिक हैं, छलिया है। और जैसे ही मुचकंद ने तप करना चालू किया, आज कृष्ण ने जाकर कालियावान को ललकार दिया, आजा भाई। आगे आगे कृष्ण ललकार कर भाग रहे हैं, आगे आगे कृष्ण और पीछे पीछे कालियावान। अवसर देख करके उन्होंने अपनी पीतांबरी उठाई है और महाराज मुचकंद ऋषि को उड़ा कर आड़ में छुपे। क्रोध अग्नि जब किसी की भड़क जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। कालियावान ने कहा वाह अभी तक रसाई राज बन गया योगी, और उठाकर उसने प्रहार किया। प्रथम बार, द्वितीय बार कुछ नहीं, तृतीय बार में अग्नि देवता ने कालियावान को भस्म कर दिया है। और जैसे ही भस्म किया है भगवान कृष्ण खड़े हो गए, बोले महाराज अब तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारा खैर नहीं। बोले क्यों? बोले तुम्हारे कारण मेरे गुरुपुत्र की हत्या हुई। कहने का मतलब कि जो बोलो बड़ा सोच समझ के बोलो। कहावत है कि ब्राह्मण का, हमने अगर आप लोग विद्वान है सुना भी होगा, प्रमाण है सूर्य पुराण का कि ज्ञान बुद्धि भ्रष्ट होए नीचे अन्न खाए से कुल कर है नाश होत ब्राह्मण सताए से संस्कार भ्रष्ट होत मदिरा के पाए। किसी का दिल नहीं दुखाना। कन्हैया जी द्वारिका में राज कर रहे हैं, किसी को आपके पास रहकर के प्यार नहीं होता है, वो एक नजर देख करके आपको अपना बना लेता है। किसी के साथ सारी जिंदगी गुजर जाती है, उसके लिए आपके दिल में हमदर्दी नहीं होती है। किसी को दूर से ही खड़े होकर प्यार हो जाता है, जानकी के जैसा। लता की कोट में निरखोरी, ऐसी ही कथा है। विदर्भ की कुमारी महारानी रुक्मिणी, राजकुमारी रुक्मिणी ने कन्हैया को कभी देखा नहीं है। रुक्मिणी ने कन्हैया को कभी देखा नहीं कि बिन फेरे हम, उनकी कीर्ति से प्रेम हो गया है, उनके भाव से प्रेम हो गया। बिन फेरे हम उनसे मेरी नजर तो मेरे होश उड़ गए, और ऐसा हुआ सर कि मेरे होश। रुक्मिणी ने अभी कृष्ण को कभी देखा ही नहीं और उनकी कीर्ति को सुन सुन करके उनसे प्रेम हो, दशा हो गई है मीरा जैसी। मीरा से लोगों ने पूछा, मीरा की सहेलियों ने कहा लड्डू खा ले बड़ा मीठा है। बोले ना मुझे तो सिर्फ श्याम का नाम मीठा लगता है। तेरा नाम क्या है? बोली श्याम। अरे मीरा तुझे तेरा नाम नहीं याद है? ओ बावड़ी, अगर मैंने आज अपना नाम याद किया तो मेरा श्याम दूर ना चला जाए, क्योंकि मेरे श्याम में ही मेरा नाम छिपा है। ये भाव आपके अंदर होने चाहिए।
मीरा ने कहा है कि ए सोबर को काबर, ए सोबर को काबर, जो बार बार मर जाए, बरबरी गोपाल को जाको जन्म सफल हो। आओ मेरी सखियों मुझे, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा मुझे ऐसी मना दूँ। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा के मुझे ऐसी बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
ना हो भावुक जो के श्याम रंग रंग
मोरी पीर न जाने Thank you.
ऐसा लेके आता है। यहाँ भाव देखिए कि जब आपके घर कोई ब्राह्मण संदेशा लेकर आए, कोई अतिथि आए, तो उससे व्यवहार कैसे करना है। अब यह कहां से आए के काम ना ना, वो तो घर पे ना, ये व्यवहार नहीं। अतिथि देवो भव, माँ कृपित देवो भव। सुखदेव परीक्षित से कहते हैं, महाराज जिस समय विप्र देवता का आगमन हुआ है, भगवान कृष्ण ने अपना आसन छोड़ दिया। कृष्ण ने अपना आसन छोड़ दिया, आसन पर बैठाया है, चरण पखारे हैं, जलपान कराया। बाद में कहते हैं कि प्रभु मैं एक संदेश लेके आया, कन्हैया जी ने सुना कि रुक्मणी ने स्मरण किया है, आपको अगर भागवत कथा में आना है तो 2 घंटा तैयारी में लगती है, ये काम करने की, वो काम करने, और पता नहीं क्या क्या करने, जल्दी जाना नहीं है, ताज श्रृंगार सुविधा। लेकिन मेरे कन्हैया जी ने